हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने ना सुस्वागतम का एक चित्र बनाया है जिसमें मैंने एक गर्ल को बनाया है और वो नमस्कार करते हुए दिखाई है। तो इसमें सबसे पहले मैंने नेपल कलर का यूज़ किया है और उसके स्किन टोन, फेस, हैंड्स और नेक एरिया को नेपल कलर के साथ कलर कर दिया है। नेक एरिया में लिटिल बिट थोड़ा सा मैंने कलर्स में डार्कनेस लाई है और फेस लाइट ही रखा है और हैंड्स में भी थोड़ी सी डार्क शेड दी है। अब ऐसे ही इसको कंप्लीट करने के बाद, फेस, हैंड्स और नेक को कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट पोर्शन वो करेंगे, जिसके लिए हम लोग ब्लैक कलर लेंगे जिसमें लिटिल बिट ब्राउन कलर ऐड करके हेयर्स को कलर करेंगे। डायरेक्टली ब्लैक कलर नहीं ले रहे हैं, हम ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करके यूज़ कर रहे हैं फॉर हेयर्स। देन मैंने कोबाल्ट ब्लू कलर लिया है जो कि मैं उसकी ड्रेस को करने वाली हूँ और अपर पोर्शन जो बॉडी है उसको मैंने नेपल कलर से डायरेक्टली कलर कर दिया है। हैंड्स को भी कर देंगे। इसी तरह से हमारा अपर पोर्शन, हैंड्स और बॉडी कलर हो गई है। अब हम अपनी गर्ल की जो फ्रॉक है जैसे वो बैठी हुई है तो उसको हमने कलर करना है। तो उसके लिए हम ब्लैक और ब्लू का मिक्सचर करके लोअर पोर्शन में ब्लैक और ब्लू कलर को शेड देंगे जिससे कि उसकी जो फ्रॉक की फ्लेयर्स हैं वो शो होंगी और रिंकल्स जो फ्रॉक पर पड़े हैं वो शो होंगे। और अपर पोर्शन में हम ब्लू कलर को कर देंगे जिसमें लिटिल बिट ब्लैक का टच थोड़ा बहुत और होना चाहिए। और जैसे जैसे ऊपर के पोर्शन को कलर करेंगे हम प्योर कोबाल्ट कलर को यूज़ कर देंगे। ऐसे ही हमने हमारी ड्राइंग की फ्रॉक को कंप्लीट करना है। देन हमने ब्लैक कलर लिया और पानी में उसको डाइल्यूट करके लोअर पोर्शन में जो हमारी ड्राइंग है उसकी शेड को दिखाने के लिए, शेडो को दिखाने के लिए हमने लोअर पोर्शन पे ब्लैक कलर अप्लाई कर दिया। अब हम आईज़ बनाएंगे और आईब्रो बनाएंगे। उसके लिए हमने 0 नंबर ब्रश यूज़ किया है। देन हम ब्राउन कलर से आउटलाइन करेंगे हैंड्स की। नेक पोर्शन की और फेस की हमने आउटलाइन कर ली है। देन हम एक छोटा सा नेकलेस हमारी ड्राइंग के गले में बनाएंगे तो उसके लिए मैंने कोबाल्ट ब्लू ही यूज़ किया है क्योंकि मैंने उसकी ड्रेस ब्लू बनाई थी। वैसे ही मैंने उसके ईयरिंग्स को भी ब्लू कलर दिया है जिसमें मैंने रेड और येलो कलर के डॉट्स का यूज़ किया है। देन उसके बाद हमने डायरेक्टली ब्लैक कलर लेकर हेयर्स पे उसको 0 नंबर ब्रश से अप्लाई करना है और बारीक बारीक लाइन्स को ड्रॉ करते जाना है। लिटिल बिट हाईलाइट देने के लिए मैंने वाइट कलर का यूज़ किया।
उसके बाद उसी पर की वो ज़्यादा हाईलाइट ना करे, तो उसके लिए मैंने लिटिल बिट ब्लैक का यूज़ करते हुए उसको थोड़ा सा मर्ज कर दिया। अभी हमारी ड्राइंग कंप्लीट है। अब हम इसके ऊपर जो अपर पोर्शन है वहाँ पर स्वागतम लिखेंगे। तो इसके लिए मैंने फ्लैट ब्रश का यूज़ किया है और आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने स्वागतम लिखा है। कर्व शेप में स्वागतम लिखते हुए मैं इस ड्राइंग को कंप्लीट करूँगी। और ऑरेंज कलर से करने के बाद हमने इसको ब्लैक कलर से आउटलाइन दे देनी है। जिस भी साइड से हम आउटलाइन स्टार्ट करेंगे उसी साइड पर हमने ब्लैक आउटलाइन लगानी है और इसको ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है। अब हमारा स्वागतम भी कंप्लीट हो गया है। अब हम अपनी ड्राइंग की थोड़ी सी एसेसरीज बना लेंगे, जिसमें हमने पेंडेंट बनाना है और हाथ में रिंग बनानी है, जिसके लिए हम रेड और येलो कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी आगे मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको मिल सके। अब मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करती हूं। धन्यवाद फ्रेंड्स।